हेलो गाइस, मैं आपका अपना देवेंद्र संधू, स्वागत है मेरे चैनल तेरा संधू व्लॉग में। आज मैं आया हूँ अपने सिस्टर के घर पे, जहाँ पे ब्लू स्टार का एसी है। आज इसको करेंगे टोटली खोल के सर्विस। अब आप ही देख सकते हो कि मेरा हेल्पर पूरे के पूरे स्क्रू आज के खोल रहा है ऊपर के टॉप के। फिर ये पूरा खोल के आपको दिखाता हूँ पूरा एसी, देखो कितना गंदा हो रहा है। ये मेरी सिस्टर का एसी है जो कितना गंदा है, सोचो दो लोगों के कितने गंदे होंगे। ये देखो जी, कितना पूरा कंडेंसर कॉइल मिट्टी से भरा हुआ है। आज आपको दिखाऊंगा कैसे करेंगे इसकी सर्विस, विंडो एसी ब्लू स्टार का। ये देखो कंडेंसर कॉइल है जो कि हमने जेट पंप के साथ सर्विस कर रहे हैं, और मिट्टी देखो कैसे उड़ रही है। आपको अभी दिखाऊंगा साइड से ऐसे निकलेगा जैसे नाले के अंदर से वो पानी निकल रहा था ना ऐसे। ये चेक करो कितनी मिट्टी निकल रही है। अब लोग कहते हैं कि एसी ट्रिप मार रहा है, कारण ही यही है लोग सर्विस करवाते नहीं। ये हमारे घर के ही ये हाल है, अब बाहर की मैं आपको क्या ही बताऊं। आप देख सकते हो कितनी मिट्टी निकल रही है। इसी यही कारण होता है कि आपका कंडेंसर कॉइल गंदे होने के कारण ये आपका कंप्रेसर ट्रिप मारता जाएगा, और आपको कूलिंग जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी, और लोड बढ़ जाएगा आपके एसी का। इलेक्ट्रिकल बिजी बिजली का बिल इतना आएगा कि आप खुद परेशान हो जाओगे इसको लेकर। आप देख रहे हो कितनी मिट्टी निकल रही है, मेरी सिस्टर खुद परेशान है इसको देख देख के, ये क्या निकल रहा है इसके अंदर से। अब उन्होंने भी नया नया एसी लिया है, उनको भी नहीं पता था कि इतना गंदा एसी हो रहा है। ये देखो कीचड़ निकल रहा, सारा कीचड़। ये देखो मेरे पैर कितने गंदे हो गए हैं, क्या करें, हमारा काम है, हमें तो ये सब करना ही पड़ेगा। अभी मैं देखो इसकी बिल्कुल कंडेंसर कॉइल बिल्कुल साफ़ करूँगा, और इसके बाद फिर कूलिंग कॉइल बेस सब साफ करना पड़ेगा। यही मज़ा है कि सर्विस करने का, लोग बिना कवर खोले सर्विस कर देते हैं, उसमें मज़ा नहीं आएगा, और आपका कंप्रेसर का भी ट्रिप मारेगा, बिजली का बिल बढ़ेगा। मेरा हेल्पर तो बस मेरी शक्ल देख रहा है, कोई काम नहीं करेगा। देख रहे हो कैसे कचरा भरा पड़ा है इसकी कूलिंग कॉइल के अंदर भी, बल्कि ये फिल्टर आपको 15 दिन के अंदर इसको साफ करना चाहिए। देख रहे हो कितना कचरा। ये देखो ये आपके, ये देखो मिट्टी चेक करो, ब्लोअर भी पूरा कचरा, फैन कचरे में घुसा पड़ा है, पूरी कॉइल कचरे के अंदर डूबी पड़ी है। कहाँ से चलेगा ये एसी, कहाँ से करेगा कूलिंग, मतलब ही नहीं ये कूलिंग कर दे। अभी मैं इसको बिल्कुल इसकी थर्माकोल ब्लोअर सब साफ करूँगा। ये देखो आप देखो आ गया ना चेंज। यही फ़ायदा जी ऐसे सर्विस करवाने का कि कंडेंसर कॉइल देखो कितनी चमक रही है, पहले मिट्टी ही मिट्टी थी इसके अंदर। ये हम इसको दोबारा से पैक करेंगे ताकि दोबारा इसको फिट करके फिर इसकी कूलिंग का मज़ा लेंगे। ये देखो कितना साफ कर दिया है, मेरे हेल्पर बहुत बढ़िया काम कर रहा है। ये रही हमारे ऊपर, ये लो जी स्क्रू टाइट होने जा रहे हैं। अब ये देखो आप इतने बड़े स्क्रू नहीं मारने की पीछे नीचे कॉइल के अंदर चले जाए। ये मेरा हेल्पर ये ऐसे ऐसे काम करता था, एक कस्टमर के साथ ऐसे हुआ था, इसने पेज टाइट करा कॉइल के अंदर डाल दिया, लीकेज होगी, कस्टमर ने मुझे पकड़ लिया। महाबल मिश्रा क्या कह सकते हैं इनको। ये देखो हेल्परों की जेबों में से बेच करते हुए, आप देख ही सकते हैं कितना साफ क्लीन हो चुका है एसी, और पहले की कंडीशन और अब की कंडीशन में कितना फ़र्क है। मिट्टी देखो नीचे ज़मीन पे पड़ी हुई मिट्टी। ये हमारा देखो पंखा कितना साफ चल रहा है।